हेलो दोस्तों, टोयोटा मारुति बेस्ट क्रेटा राइवल एसयूवी इंडिया में जल्द लॉन्च होने वाली है और एक्सपेक्टेड आपको लॉन्च डेट जून जुलाई तक है। और इसका नाम दोस्तों पता चला है कि हाई राइडर होने वाला है, तो उस पर बेस्ट आपके अपने चैनल ऑटोमोटिव इंडिया द्वारा एक रेंडर बनाया गया है जो कि इसके डिज़ाइन को कुछ हद तक दिखलाता है। यहाँ पर बात करें दोस्तों फ्रंट लुक की, तो फ्रंट में आपको डबल स्लेटेड DRLs देखने को मिलते हैं और बीच में आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साथ में टोयोटा की बड़ी सी बैजिंग और क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। नीचे की तरफ आपको हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है जो कि प्रोजेक्टर LEDs होने वाले हैं। साथ में क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और नीचे में फॉग लैंप देखने को मिलती है। साथ में फ्रंट में काफ़ी मस्कुलर स्किड प्लेट देखने को मिलता है और इसका डिज़ाइन थोड़ा टोयोटा कोरोला क्रॉस से मैच करता है। अगर बात करें दोस्तों इसके डायमेंशंस की, तो इसका डायमेंशंस भी काफ़ी बड़ा होने वाला है और आपको क्रेटा से शायद थोड़ी छोटी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें पीछे के लुक की, तो यहाँ पे LED टेल लाइट, शार्क फिन एंटीना, 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलेगा जो कि 200 mm के आसपास होने वाली है। अगर बात करें दोस्तों इंटीरियर की, तो इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम होगा। यहाँ पे आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्लोटिंग टच स्क्रीन जो कि 10 इंच के आसपास देखने को मिल जाएगा। साथ में स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, एम्बियंट लाइटिंग, नया MID डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम में कनेक्टेड कार्टेक के सभी नए फीचर्स देखने को मिलेगा और सनरूफ भी वॉइस कंट्रोल से ऑपरेट होगी। देखना होगा दोस्तों कि स्मॉल सनरूफ आती है कि पैनोरामिक सनरूफ। साथ में आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स देखने को मिल जाएंगे और स्पेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म आपका TNGA प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि इंडिया में लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चर होने वाला है। 6 एयरबैग्स इसको सेफ्टी को काफ़ी बढ़ा देंगे और टोयोटा का भरोसा रहेगा, जिसके कारण आपको 5-star देखने को मिल सकता है। इंजन 1.5 लीटर देखने को मिलेगा जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है और क्लेम्ड है कि 26 KMPL की माइलेज देखने को मिल जाएगी। लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों, तो जून जुलाई अगस्त के बीच में ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है और प्राइसिंग भी दोस्तों 10 लाख से लेकर 16 या 17 लाख तक जा सकता है। बाद में मारुति की गाड़ी आएगी, पहले टोयोटा की SUV आएगी जो कि हाई राइडर नाम से आने वाली है जो कि D22 कोड नेम था। तो दिस रेंड इज मेड बाई अ सो टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। थैंक यू।